गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज मैं आया हूँ लाल किला शाहजहाँ की बनाई हुई एक नायाब इमारत में, जो कि दिल्ली में है। वैसे एक लाल किला जो है आगरा में भी है, मगर ये दिल्ली वाला है। तो आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। लाल किला जब एक्चुअल में बना था तो इसकी एक्चुअल जो ऊंचाई मतलब लेवल था, आज हम यहाँ पे खड़े हैं करीब उससे 2 फुट नीचे, जो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा उतनी गहराई में, मतलब उतना आपको अभी भराव करना पड़ा। पहले लेवल वो हुआ करता था और फिलहाल अब ये लेवल है इसका। तो कुछ यहाँ पे क्लास लगा के यही शो किया गया है कि मतलब पहले और अब के लेवल में कितना डिफ्रेंसेस आए हैं। तो मैं आ गया हूँ, फिलहाल एंट्री कर ली है मैंने यहाँ से। ये है वेलकम गेट, आज के टाइम में इसे रिसेप्शन भी बोल सकते हैं। उस ज़माने में यहाँ पे जैसे बा मुलायजा होशियार ये पधारने हैं, इस तरीके की जो बोला जाता था वो लोग यहीं से अनाउंस करते थे और यहीं से बताया करते थे कि अभी कौन आ रहा है। ड्रम वगैरह बजाने का जो प्रोसीजर हुआ करता था वो इसी के अंदर हुआ करता था। देखने में ये करीब 2 मंजिल की इमारत लग रही है, मगर अंदर से जाके देखेंगे तो करीब ये 3 मंजिल की इमारत है। और कहा जाता है शाहजहाँ जो थे वो रविवार यानी संडे के दिन पैदा हुए थे, तो संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे वो ड्रम्स बजते रहते थे, पूरा दिन बजाया जाता था। तो चलते हैं इसके अंदर और वहाँ से दिखाता हूँ। इसी जगह में नगाड़े बजाए जाते थे और ये जो आप हरे रंग की वो देख रहे हो, कहीं कहीं ये अभी भी ओरिजिनल है। और वह नगाड़ा घर यानी नौबत खाना या नगाड़ा घर, उसके बाहर जैसे ही आप बाहर आएंगे, उसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करते ही सबसे पहले आपको नज़र आएगा ये यहाँ पे सामने राजा जो यहाँ का शहंशाह था वो बैठा करता था। और ये एज ए कोर्ट, मतलब आप आज के टाइम में इसे कोर्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे ही वो लगा करती थी। इस जगह जो ये आप ये बगीचा देख रहे हैं, दोनों साइड के बगीचे, एक तरफ लेडीज़ और एक तरफ जेंट्स, ये पहले जो था ये मार्बल से बना हुआ था सारा, अंग्रेज़ों के टाइम पे तोड़ दिया गया था। और इसी जगह एक जगह लेडीज़ और एक जगह जेंट्स ऐसे बैठते थे, और राजा के सिंहासन के नीचे मतलब जो वो है उसके नीचे उसका वज़ीर बैठता था, और जिसकी भी जो भी फरियाद या जो भी गुजारिश होती थी वो वहाँ पर बैठ के पहले वज़ीर को बताई जाती थी। वज़ीर ऊंचा बोल के शहंशाह को बताता था कि इसको ये प्रॉब्लम है या इसकी ये परेशानी है, तो उसको सॉल्व किया जाता था। तो ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ ये कैसा है और इसके बारे में और बताता हूँ। इस किले का नाम एक्चुअल में, वैसे इसका नाम लाल किला नहीं है क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है, इसलिए इसे आम भाषा में लाल किला बोल दिया जाता है। कि सभी लोग बोलते हैं कि लाल किला है, लाल रंग का दिखता है तो लाल किला इसे बोल दिया जाने लगा, मतलब ज़ुबानी तौर पे इसे लाल किला कहने लगे। वैसे इसका एक्चुअल नाम किला मुबारक है, और जब ये बना था तो इसका नाम यही रखा गया था किला मुबारक। तो आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये है दीवाने आम यानी उस टाइम की कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। सामने जो आपको दिख रहा है वो शाहजहाँ वहाँ पे बैठ के आम लोगों की फरियाद सुनता था, और जस्ट उसके नीचे जो तख्त है वहाँ उसके वज़ीर बैठा करते थे। करीब 30 साल तक शाहजहाँ ने यहाँ बैठ के लोगों की सुनी। सामने से फ़ोटो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि जो ग्लास पे ना शेडो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, तो इस वजह से वहाँ से देख नहीं रहा था। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है यहाँ से, और अब ये बिल्कुल सिर्फ एक पत्थर से बना हुआ रह गया है। इस पर जो नक्काशी की हुई थी, जो अलग अलग कलर्ड पत्थर लगाए हुए थे, वो सब कुछ झड़ चुके हैं। और जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने इसमें जो हीरे जवाहरात ये सारे लगे हुए थे वो सब उतार के वो लेके चले गए थे। और ये वो तख्त है जिसपे वज़ीर बैठा करता था, और ये डिज़ाइन भी इस तरीके से किया गया है कि आप किसी भी मतलब जो पिलर है
किसी भी एंगल से देखेंगे, मतलब उस साइड से अगर आप ये देखेंगे, सिंहासन जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ये इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे की हुई है, ये सारे पिलर्स ऐसे बनाए हुए हैं। इसमें दो जगह है, दीवाने आम और दीवाने खास। मतलब यहाँ आम लोगों की बात हुआ करती थी, मतलब ये एज ए कोर्ट यूज़ किया गया था और दूसरा एज ए पार्लियामेंट। तो दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे सबसे पहले मकबरा बना जो मैंने आपको दिखाया, हुमायूं टॉम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आई बटन पे लिंक है, उस वीडियो को जाके देखो। चार बाग शैली का जो यूज़ किया गया था, सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में किया गया, उसी के बाद उसी की तर्ज पे ताजमहल बनाया गया और फिर ये सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बने। तो चलते हैं सब, अब दीवाने खास यानी पार्लियामेंट दिखाता हूँ यहाँ की। तो ये है दीवाने खास। शाहजहाँ अपने जो उच्च पदाधिकारी थे, मतलब जो उसकी मंत्री वगैरह थे या जो भी उस टाइम के उसके खास लोग रहे होंगे, उनके साथ यहाँ बैठ के मीटिंग्स किया करता था। और ये उस टाइम इतना खूबसूरत था, कहीं कहीं आज भी दिखाया गया है कि गोल्ड प्लेटेड था। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये सारा का सारा ऐसे ही गोल्ड प्लेटेड था। और जो आप ये नक्काशी देख रहे हो, ये कलर किया हुआ नहीं है, ये सारा का सारा छोटे छोटे पत्थर, मतलब जैसे ताजमहल में आप लोगों ने देखे होंगे, छोटे छोटे पत्थर को क्राफ्टिंग करके वो सारा बनाया हुआ है। और कुछ ऐसा नज़र आता है पास से। पहले कोविड से पहले आप यहाँ अंदर जा सकते थे, बट अब इसमें अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि लोग यहाँ पे कुछ भी लिख देते थे, या इसको मतलब अभी भी बचाने के लिए यहाँ पे लोगों की एंट्री बैन है। अब यहाँ पे कोई भी लोग मतलब अंदर एंट्री नहीं ले सकता। तो कुछ अंदर से इस तरीके का दिखाई देता। और इसी जगह बैठ के उस टाइम तो एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही रुबाब हुआ करता था। और बीच में आप ये जो देख रहे हैं, इसमें मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, इसमें पानी की नहर टाइप से चलती थी। तो तो 2015, मैं कोविड बता रहा था आपको, बट ये 2015 में यहाँ पे लोगों की एंट्री बैन कर दी गई थी। उसका रीज़न ये रहा कि यहाँ पे लोग ऊपर चढ़ के दीवारों पे जो ये संगमरमर है, इस पर नाम लिख दिया करते थे, जो आपको पता ही है हर मॉन्यूमेंट्स पे आई लव दिस एंड आई लव दैट, इस तरीके के लोग लिख देते थे। तो उसी की वजह से यहाँ पर एंट्री बैन हो गई है, वरना पहले आप लोग इसके ऊपर चढ़ के इसे आगे से देख सकते थे। और इसी के साथ बहती हुई यमुना बहती थी, मगर अब करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, वो मतलब इतना डिस्टेंस हो गया, मगर उस ज़माने में यमुना यहाँ से लगती हुई बहती थी। तो यहीं पे वो मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जो अब फिलहाल ईरान में है, आज भी है वो, और उसी में ही कोहिनूर लगा हुआ था। और उस कोहिनूर को, मतलब उस हीरे को एक शापित हीरा माना जाता था। कहते थे कि वो जिस भी बंदे के पास वो हीरा रहेगा, वो मतलब ठीक नहीं रहेगा, उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ हिस्ट्री में बताया गया। और यही चीज़ बोला गया कि अगर वो किसी लेडी के पास रहेगा तो वो बहुत ही फलदायी होगा, मतलब उसका यही, मतलब इस तरीके की हिस्ट्री है कुछ। और उसी के बाद अंग्रेज़ आके उस कोहिनूर को लेके चले गए, और उसके बाद एलिजाबेथ को वो, मतलब वहाँ की अपनी महारानी को वो दे दिया। उन्होंने भी उसका पूरा का पूरा उसको नहीं लिया, उसके भी टुकड़े कर दिए थे, दो टुकड़े किए, जो एक म्यूज़ियम में रखा गया और दूसरा महारानी के जो ताज होता है उसमें लगा दिया गया। तो कुछ ऐसी हिस्ट्री थी उस कोहिनूर की भी।
कहते हैं कि मतलब आज के जमाने में चर्चा ये चल रही है कि उसको ही नूर को हिंदुस्तान वापस ले आएंगे, बट क्या होगा वो पता नहीं। ये है मोती मस्जिद जो औरंगज़ेब ने अपने लिए बनवाई थी। औरंगज़ेब वहाँ पे उस जगह पे रहता था और उसे यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था यहाँ से, तो इसलिए उसने अपनी एक पर्सनल मस्जिद बनवाई थी जिसे मोती मस्जिद का नाम दिया था। 5 टाइम का नमाजी था औरंगज़ेब, और इसमें हरम की महिलाएँ, मतलब उस ज़माने में हरम जो शाही महिलाएँ होती थी वो हरम की बोली जाती थी हरम, तो वो लोग भी यहाँ पे नमाज़ करा करते थे। बट स्पेशली जो बनाया गया था ये औरंगज़ेब ने ही अपने लिए बनवाई थी, तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। 2005 तक यहाँ लोग नमाज़ भी पढ़ा करते थे, बट फिर उसके बाद यहाँ पे बंद करा दिया गया, आम लोगों के लिए ये मस्जिद बंद हो गई। और जो आप ये गेट देख रहे हैं इसके ऊपर पीतल और तांबे की परत चढ़ाई गई है और बहुत ही अच्छी नक्काशी भी की गई है। ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है अंदर से। तो मैं पहुंच गया घूमते घूमते हयात बख्श। हयात बख्श मतलब बाग और मंडप। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चार बाग शैली से ही बनाया गया है। ये बाग और मंडप जो बनाए हुए हैं इसे वो और वो, एक जो हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग 2 महीने आते हैं सावन और भादो, उनके उस पे नाम दिए गए हैं वो सावन और ये भादो। तो 2 मंडप बनाए गए हैं, ये संगमरमर के बनाए गए हैं और बीच में ये एक महल बनाया गया है। मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो ज़फ़र महल जिसे बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय ने बनवाया था 1842 में। और इसके एक साइड जो आप देख रहे हो वो हिंदी पंचांग के अकॉर्डिंग जो महीने पड़ते हैं सावन और भादो, वो एक सावन और एक ये भादो, ये 2 वो बनाए गए हैं। ये मंडप है और इसी में ही बैठा करते थे जब मौसम के हिसाब से वो लोग, और इन्हीं में बैठ के आराम फरमाने के लिए बनाए गए थे। तो दिखाता हूँ इन मंडप को भी। ये है भादो मंडप और उस साइड में अपोजिट साइड में है सावन मंडप। तो इसमें डिफरेंशिएट मतलब आप इसको पहचानेंगे कैसे, इन दोनों मंडप में एक ही डिफरेंस है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बस एक ये डिफरेंस है कि जो भादो मंडप है उसमें बीच में ये कुंड बना हुआ है और सावन वाले मंडप में बीच में नहर बनी हुई है। तो ये कुंड में से पानी यहाँ से बहता था और यहाँ से बहता हुआ इस नहर से बीच वाले जो एक आपको महल दिख रहा है इसमें वो पानी आके इकट्ठा होता था, और ऐसे ही उस साइड से नहर से आता था। तो ऑपोजिट साइड में इसके जो है सावन मंडप है। चलो सावन मंडप को देखते हैं और उस ज़माने की बेहतरीन नक्काशी इसमें देखने को मिलती है जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट के ऊपर दिखाई गई है। स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे जो बने हैं इंडो आर्किटेक्ट। तो भादो के जस्ट ऑपोजिट साइड में है ये सावन मंडप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें बीच में एक कुंड था और इसमें बीच में एक नहर नुमा बनाया हुआ है, तो पानी वहाँ से छन के आता था यहाँ पे और यहाँ से होता हुआ पानी इस जगह आके और सामने वाले जो ज़फ़र महल है उसमें बीच में चला जाता था। तो कुछ इस तरीके का है ये। अब चलते हैं यहाँ से आगे और दिखाता हूँ आगे क्या बचा हुआ है अभी यहाँ पे। तो ये है नहर बहिश्त यानी स्वर्ग से बहती जलधारा, और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इस इमारत को कहते हैं रंग महल या रंगों का महल। इसको रंगों का महल इसलिए कहा गया कि इसमें जो है आंतरिक जो इसके अंदर का जो कलर्स थे वो मल्टी कलर्स में बनाया हुआ था, ये बहुत सारे रंगों से इसे सजाया गया था। और इसके दोनों तरफ मतलब आप एक साइड
टोटल इसमें 6 कमरे हैं और दोनों साइड इसके इसको बताया जाता है कि ये शीश महल, यानी जो इसकी दीवारें थी, जो ऊपर का जो पोर्शन था उसमें कांच के छोटे छोटे शीशे लगाए हुए थे जो रात को चांदनी में चमकते थे। और ये जो बीच में आप मेरी उंगलियां देख रहे हो, तो ये जो बीच में आप जलधारा देख रहे हैं, मतलब ये नहर सी बनी हुई है, इसे तो इसके बीच से जो ये बहती है इसे नहर बहिष्ट कहा गया, मतलब स्वर्ग से आने वाली नहर। अब तो इसमें रेलिंग लगा दी गई है और बीच में जो आप फुवारा टाइप फुवारा देख रहा है, जो फाउंटेन देख रहा है आपको, इसे बताया जाता है कि ये हाथी के दांत से बना हुआ। अब ये कितना सच्चा है कितना झूठ ये पता नहीं, मगर सामने गंगा, इसके पीछे जस्ट गंगा यमुना बहती थी, तो पानी के वहाँ से आती हवा ठंडी हो जाती थी और उन जालियों से हवा जब यहाँ से बहती थी तो और ज़्यादा ठंडी हो जाती थी, इसलिए इसे मतलब स्वर्ग से आने वाली नहर कहा जाता था, तो कुछ इस तरीके का। और ये शीश महल, मतलब इसके दोनों तरफ शीशों की वो थी, और आप देख सकते हैं मल्टी कलर की, वो ऊपर अभी भी देख रहे होंगे येलो कलर ब्लू कलर, तो इसलिए इसे रंग महल का नाम दिया गया था और काफ़ी खूबसूरत था उस टाइम। मतलब अब ये पत्थर, अब ये सारा संगमरमर ये काला पड़ चुका है क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन में इसे मतलब खाना बनाने की जगह के हिसाब से यूज़ किया गया था, तो उन्होंने बहुत डैमेज हो गई थी ये प्रॉपर्टी सारी की सारी, तो कुछ इस तरीके का वो है इसका। और इसे इम्तियाज़ महल, मतलब इम्तियाज़ महल भी कहा जाता है, जो हिस्ट्री में बताया गया है इम्तियाज़ महल और रंग महल, रंगों का महल, वो सारा यही महल है, तो बेहद खूबसूरत और बेहद आलीशान। और जस्ट मेरे सामने आप जो देख रहे हैं वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये फवारा, जो फाउंटेन है ये एक संगमरमर से बनाया हुआ एक वो है, मतलब पूरे एक ही पत्थर से बनाया हुआ फाउंटेन है। और इस किले को बनने में करीब 10 साल लगे, 1638 से और 1648 तक शाहजहां ने इस किले को बनवाया और बहुत खूबसूरत बनाया। और इसके बाद शाहजहां काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था, जिसे उसके बेटे औरंगजेब ने बनाने नहीं दिया और यहाँ से आगरा शिफ्ट कर दिया, जो आगरा का लाल किला है वहाँ पे बंदी बना दिया गया। और करीब 8 साल तक वहाँ पे बंदी बने रहने के बाद शाहजहाँ की मृत्यु हो गई, तो कुछ इस तरीके की है इस शासक की हिस्ट्री। तो भाई कुछ इस तरीके का था ये लाल किला, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हुए। टिल देन ध्यान रखिए, बाय बाय।